मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरे लिए महंगी महंगी चीज़ें लेकर आता था, जबकि उनकी इतनी औकात नहीं थी। मैं हैरान हो जाती कि इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है। पर एक काम वह बहुत ही अजीब करता है, मुझे बहुत खुश कर देता है, मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ें और खाना लेकर आता है, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। मैं हैरान होती हूँ कि अगर इनको मेरी इतनी ही परवाह है कि यह मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आता है, तो फिर इसे मेरे में दिलचस्पी क्यों नहीं है? ये मेरे पास क्यों नहीं बैठता, मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मेरा साथ इनका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है? मैं एक रात पहले ही दूसरे कमरे में छिप गई ताकि जब वह यहाँ पर आए तो मुझे पता चल जाए कि आखिर इस कमरे में क्यों आता है, मेरे पास क्यों नहीं बैठता। तब मैंने अपने पति को ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मेरा नाम निशा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से बड़ी नफरत थी। वह कहती थी कि तेरा हुसन तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती थी भगवान से डरो भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब तक मेरी माँ थी तब तक उस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरे भाई को भी मुझसे नफरत थी, वह कहता था कि तुम मेरी बीवी के साथ मुकाबला मत किया करो। थोड़ी बहुत मैं भी मगरूर थी क्योंकि मुझसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अब अगर मेरी माँ को टाइम पर खाना नहीं दे रही या पुराना खाना दे रही है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। एक दिन तो उसने मेरी माँ के सामने खराब खाना रख दिया, जबकि मेरी माँ पहले ही शुगर की मरीज थी। मैंने कहा पहले ही इनकी इतनी तबीयत खराब रहती है, तुमसे नया खाना नहीं बनाना था तो तुम बता देती, पुराना खाना देकर क्यों मेरी माँ को मारना चाहती हूँ। इस बात पर ऐसी लड़ाई हुई कि हम दोनों ननंद भाभी में हाथापाई भी हो गई। मेरे भाई ने तो अपनी बीवी का ही साथ दिया और उसने मुझे कहा कि तुझे तो एक दिन में ऐसा सीधा करूँगा तो बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी, तो छोटी है तेरा काम क्या है बड़े भाभी से ऐसे बातें करना। मैंने कहा कि बात छोटे बड़े की नहीं है, कुछ गलत करेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हुई कि वह अस्पताल में पहुँच गई और 4 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद वह इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत ही बड़ी परेशान हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदार थे लेकिन वो सारे ही मेरी माँ के ससुराल वाले थे, इसलिए उनको कोई ज़्यादा दुख नहीं हुआ, उन्होंने बस थोड़ा अफसोस किया और चले गए। अब घर में सिर्फ मेरा भाई और मैं थी। एक रात भाई कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि कहेगा कि कोई बात नहीं मैं हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कह देना। उसने कहा कि अगले रविवार वाले दिन तुम्हारा शादी है। जब उसने ऐसी बात ही तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या उसने कहा कि हाँ तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि पूछ लूँ कि मेरी शादी किससे कर रहे हैं। इतनी जल्दी शादी, उसने कहा कि बस शादी की रस्म है क्योंकि अभी अभी माँ मरी है, तेरे दिल में कोई अरमान है तो उनको दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीने पहले ढोलकी नहीं रख सकता और न ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़ी पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चला गया और मैंने तकिए पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन फिर दिल को यह सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो शादी तो एक दिन होनी ही थी, अगर हो जाएगी तो मेरा अपना घर तो होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी, भाभी से तो जान छूट जाएगी, वरना किसी और तरह से भाभी से जान नहीं छूट सकती। यही सोचकर मैं दिन गुजारने लगी, लेकिन शादी वाले दिन यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस किस्म के इंसान का से मेरी शादी तय की। शायद इसमें भी मेरी भाभी की कोई चाल थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी मेरी भाभी दुश्मन बन जाती थी। मुझे लगता था कि वो किसी दिन ज़रूर ही मुझसे बदला लेगी और आज उसने यही किया था, वह कामयाब हो गई थी। क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब था, हालात में बैठा था, उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था बल्कि एक पागल था।
क्योंकि उसने हाथ में टोपिया पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है, तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही मेरा दूल्हा था, सबको पता चल गया कि वह तो पागल है। मोहल्ले से जो भी कुछ औरतें आई हुई थी, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि निशा का दूल्हा तो पागल है, ये क्या कर दिया भाई और भाभी ने, बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया, माँ क्या मरी, इनके तो आंखें सफ़ेद हो गई, पागल के साथ साथ इतनी प्यारी लड़की का शादी करवा दिया। और मेरा शादी हो चुका था, उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को देखा था, अब तो विदाई होने वाले थी, मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे। मैं रोना चाहती थी लेकिन रो भी नहीं सकती थी, मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखेगा। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी, मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो मेरे साथ यह सब कुछ ना होता। मेरी भाभी नहीं, मेरा भाई को भड़काया था, उनको ज़रा सा ख्याल ना आया कि वह अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है, कैसे रखेगा वह, मुझे क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते जिसके पास नौकरी नहीं होती, और इसके पास तो अकल भी नहीं थी, तरीका भी नहीं था। एक पल को तो दिल किया कि और जाने इनकार कर दूँ, लेकिन उनके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता, ये लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते, इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैंने सर पीछे कर लिया। सब लोगों ने यह मंजर देखा, मैंने कहा कि जरा इनकी भी बेइज्जती हो, इसको इतना तो जताऊं कि इसने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। भाभी भी मिलने के लिए आगे हुई तो मैं उनसे भी ना मिली, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी करवा दी, नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। कौन सी भाभी कहती है अपनी ननंद को, वो भी उसकी विदाई वाले दिन, अरे दिल में जितनी भी नफरत हो इस तरह तो कोई भी बेटी को घर से यह कहकर नहीं निकालता कि दफा हो जाओ। मेरे साथ कितना बुरा सलूक हो रहा था भगवान ही देख रहा था कि मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, पर मुझे पता था भगवान मेरा इंसाफ करेगा, लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत ही ख़राब नज़र आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दूल्हा पागल था लेकिन उसका घर अच्छा था, 3 कमरों वाला घर था, वहाँ पर उसका एक भाई भी था, मुझे लगा कि वो भी इसी घर में रहता है। लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया, मैं जरा घबरा गई। उसने कहा भाभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल मैं ये भी मेरा अपना घर है, वहाँ दूसरी जगह भी मेरा घर है जहाँ पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अब आपको ही इसे संभालना है। वह क्या है कि मेरी बीवी कि इसे नहीं बनाती क्योंकि इसके साथ इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, माँ बाप हमारे भी नहीं हैं, बस अब आप हैं और आपको आपका पति है, ये घर है, अगर आपको समझ ना आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, पर अगर यह ज़्यादा तंग करने लगे तो भी आप मुझे बुला सकते हैं, लेकिन देखें मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, मेरी बीवी को मेरा यहाँ आना ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप बुला लीजिए, वरना खुद ही हालात को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब यह है तो आपका ही पति और आपको इनके साथ ही रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली थी, मैंने हाँ में सर हिला दिया, मैं और क्या कह सकती थी। उसने कहा भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह तसल्ली दे रहा है, लेकिन फिर दोबारा कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं इसने इस बात को 2 बार क्यों बोला और इतना जोर देकर क्यों बोला, फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था, मैं जब उस कमरे में गई तो हैरान रह गई, यह कमरा शायद उसी का था, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हुई थी पर कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे, शायद उनका दिमाग बचकाना था
उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा कि अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कह देगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया कि दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद आई पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुली तो हैरान रह गई, सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा हुआ था, नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। मुझे लगा शायद इनका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया था, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाज़ा तो अभी भी बंद था। रात को मैंने खुद कुंडी को लगाई थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि नाश्ता कर लो, और वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाज़ार से नाश्ता लेकर आया है, फिर ये कहा पागल हुआ। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। ये किसी कार्टून का गाना था, तो समझ गई कि शायद ही एक नॉर्मल सी हरकत है, शायद इसे भी भूख लगी है। पर उसके पास तो थोड़े बहुत पैसे हो, इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी। मैं पूछना भूल गई थी कि ये घर कैसे चलता है, लेकिन फ़िलहाल तो घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया, पर नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मेरे घर में ऐसी ही चलने लगी। मेरा पति अचानक ही कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं शायद घर से ही भाग गया है। मैंने इसलिए उसके भाई को कॉल की थी। उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक भी वापस नहीं आया तो फिर आप मुझे बता देना। मैंने कहा कि ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोल कर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा, ये क्या है? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। वैसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सब अच्छा ही हो रहा था। बल्कि मेरा पति मेरे लिए रोज़ कोई ना कोई चीज़ लेकर आता था। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज़ मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया। उसने आकर 20,000 रुपये मुझे दिए। मैंने कहा कि यह घर भी आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है, तो मैं उसमें से महीने के 2 दफ़ा 20,000 रुपये आते हैं। आपको 20,000 रुपये 15 तारीख को मिल जाएंगे। आज 1 तारीख है तो मैं आपको पैसे देने के लिए आ गया हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने घर की ज़रूरत का सामान ले लिया। उस घर में टीवी भी था, एसी भी था, सब कुछ था। एक दिन बुलेवट के मेरे भाई और भाभी यहाँ पर आ गए। उनको पता था कि उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई है, और मुझे पता था कि देखने आएंगे होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ। लेकिन जब मुझे देखा तो हैरान रह गई। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी ने कहा, यह जोड़ा कहाँ से आया? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनवाए थे, और हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनवाया। मैंने कहा, पति ने मुझे ला कर दिया है। उसने कहा कि तुम्हारे पति को तुम हाथ धोने नहीं आते, तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे ला कर दिया है। आपको किसने कहा कि उसे मुँह हाथ धोने नहीं आते? ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आया। जब मैंने सारी चीज़ें अपनी भाभी को दिखाई तो वह भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कहाँ से लेकर आया रहा है, कहीं चोरी करके तो नहीं ला रहा? मैंने कहा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल नई है। उसने कहा, नई तो नहीं लग रही, ये क्या बात हो गई? उनका तो ऐसा हो गया जैसे तीर निशाने पर नहीं लगा।
कि जैसे वह मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी, पर बुरा नहीं हुआ तो बड़ी परेशानी हो गई। खैर, मैंने भी सर उठाकर उनके सारी चीज़ें दिखाई और मैं बड़ी खुश हो गई। मेरी भाभी ने कहा, देखो शायद मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया था, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया, मैं वाकई खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे ना, अगर हमारी शादी होती तो हमारे जैसे लोगों से में ही होती, लेकिन यह देख लो ये लोग आपके अच्छे हैं, इस घर में तो ऐसी भी लगा हुआ है। गर्मी होती तो है तो सुकून की नींद आती है। मेरी भाभी का मुँह लटक कर रह गया। मुझे पता था कि घर जाते ही है मेरे भाई के साथ झगड़ा करेगी, अच्छी बात है। मुझे खुश देखकर घर जाते आपस में झगड़ा करते, यही उनकी सजा थी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था, मेरी चीज़ें लेकर आता था, मेरा ख्याल भी करता, मेरा ध्यान भी रखता। एक दिन मैं जा रही थी कि मेरे पाँव पर कोई चीज़ लग गई, तो उसने मेरे पाँव पर पट्टी लगा बांधी, लेकिन रात होती तो वह दूसरे कमरे में चला जाता और अंदर से लॉक लगा लेता था। मैं बड़ी परेशान होती थी कि यह किस किस्म का मामला है। मैं उससे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि मैंने फिल्म ड्रामे में सब देखा था कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है, शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती, और अगर वो ठीक हो जाता तो फिर इस दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता, क्योंकि खूबसूरत वह था, जवान भी था, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, घर भी उसका अपना था, पर इतना सारा सामान भी था, अगर ऐसी ही होता तो मेरी पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी, उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और अगर इनको इनकी ज़िंदगी में कोई हो तो वो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बात समझने आने लगी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुकात उस कमरे से ज़रूर है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे पता लगाना है कि इस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, पर वहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वह बड़े अच्छे हालात में है। उसके मुंह से निकल गया होगा कि यह बात मुझ तक भी पहुंच गई, क्योंकि मोहल्ला तो एक ही था। मैं कहती थी कि हाँ भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी होते थे, घर के सारे मामलात मेरे हाथों में होते थे, पैसे आ जाते थे, मेरा पति मेरा ख्याल भी करता था और रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज़ भी लेकर आता था। वह कहा जाता था कि मुझे नहीं पता, मैं एक बार उसके पीछे पीछे गई लेकिन मुझे रास्ते का नहीं पता था, इसलिए मैं वापस आ गई, मैं कहीं गुम ही ना हो जाऊं, और वो तो मेरी आंखों के सामने से न जाने कहां चला गया। उसे रास्तों का बहुत अच्छी तरह पता था, शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह के काफ़ी सारी सामान थी, इसलिए मैंने इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे यह बात ज़रूर पता लगाना थी कि कमरे में क्या है, और वह दिन के वक्त पर कमरे को ताला लगा कर चला जाता था। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दी और ताला भी खोल दिया, उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताले लगाए ही चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले ही कमरे के अंदर छुप जाऊंगी और जब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन जैसे ही घर में आया मुझे तलाश कर रहा था, मुझे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता था, उसका मेरा नाम भी याद हो गया था, मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता था कि यह भी तो किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत और नौजवान है, और उसके साथ न जाने क्या हुआ कि ये पागल हो गया। जाहिर है ये पागल पैदा तो नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम होती है, शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैंने उसके भाई से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यह किस किस्म की बात थी, वक्त के साथ कैसे पता चलता। मुझे मेरी पति की पुरानी तस्वीर मिली तो वह शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी लगता था,
ऐसा लगता था कि जैसे पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था। लेकिन फिर भी ऐसे हालात पर कैसे पहुंच गया, कहीं इसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी। मन में ऐसे ही उल्टी सीधी बातें और सवाल आते रहते थे। आज तो मुझे पता चल ही जाना था, फिर उसके बाद मैं देखते कि मैंने क्या करना है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो। मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आया था, कमरे में गया, लेकिन उसे महसूस किया कि मैं कमरे में नहीं हूँ, वह चीज़ वहीं पर रखे। मुझे थैले रखने की आवाज़ आई थी, वो उस कमरे में आ गया, मैं कमरे के अंदर ही छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा लिया और कुर्सी पर सर पकड़ के बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उनको देख रही थी, उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर हूँ। वो सर को ऐसे अंदाज में पकड़े बैठा था, जैसा लगता था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे से अचानक से पागलों वाले जज्बात ही गायब हो गए थे। अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, कोई ना कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान रह गई कि यह बड़ा फ़ोन इसके पास कब आया, और फ़ोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि बाकी उसकी सारी चीज़ें टूटी हुई थी। फ़ोन पर किसी से बात करने लगा, और जब उससे बात करने शुरू की तो मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हुई कि मैं हैरान रह गई। वह तो किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था और कह रहा था कि देखें, मैंने आपसे पहले डील की थी, आप ये पैसे कारोबार में लगा दें, जो मेरी किस्मत होगी, जो मेरा नसीब होगा, मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई थी कि वो मेरा पति, जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस की डीलें कर रहा था। लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ था, और अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था? अपनी बीवी को तो बता सकता था, दिल तो क्या कि सामने आ जाऊँ। लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ यह क्या करता है। फिर थोड़ी देर के बाद जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उसको एक साइड में रख दिया। फिर दोबारा से फ़ोन किसी को फ़ोन किया, इस बार मुझे समझ आ गया कि वह किसको फ़ोन कर रहा है। वह अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है मैं निशा को सब कुछ बता दूं, मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। शायद दूसरा शख्स कह रहा था कि जल्दबाजी ना करो, तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी, हमारी शादी को 4 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई, मुझे देखकर हैरान रह गया, उसके मुंह खुला का खुला रह गया और फ़ोन एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा कि यह सब कुछ क्या है, क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हो, मैंने सब कुछ सुन लिया। उसने कहा कि देखो, मैंने आज या कल तुम्हें बताना ही था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है। मेरी आंखों में आंसू आ गए तो उसने कहा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे रोना आ रहा, मुझे बता दे कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था, मेरी बहुत बड़ी नौकरी थी, अभी भी मैं उसी नौकरी में हूँ, लेकिन सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करना। मैंने कहा कि पागल की बने क्यों फिरते हो? तो उसने कहा, मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो किसी और तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं चले गए, वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मर गया, तो सारा इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक न करता तो मुझे सजा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वो सब लोग भाग गए, पर मैं उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया। लेकिन वह भी इस दुनिया से चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया, मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। अभी भी वो लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं, उसका मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। लक्की सुना है कि अब उन्होंने अपना घर बार बेच दिया है और 1 महीने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें यह सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक दफ़ा वो लोग यहाँ से चले जाए तो फिर मैं तुम्हें बता दूँगा। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि उसे ये रिश्ता कबूल है तो हम लोग बड़े हैरान हुए, हमें पता चल गया था, इसलिए मैंने बिना देखे शादी के लिए हाँ कर दिया। सोचा कोई तो पुण्य कमा लो तुम्हें बचाने की खातिर,
तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो। बाहर जाता हूँ तो वह भी काम से सिलसिले में ही जाता हूँ, तुम्हारा चेहरा मेरी आँखों के सामने आ जाता है तो फिर सोचता हूँ तुम्हारे लिए कोई चीज़ ले लो। सोचता हूँ कि कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़कर ना चले जाओ, कि पागल के साथ मेरी ज़िंदगी बुरी गुजर रही है। इसलिए तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश तो रहे। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी आँखों में फिर से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा खुशी से रो रही हूँ। उसने कहा अजीब हो, दुख से भी रोती हो और खुशी से भी रोती हो? अरे देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। 1-1.5 महीने तक हमें नाटक करना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरी कौन पुण्य का मुझे तोहफा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मैंने अपने भाई ने ही मेरे साथ इतना बुरा किया, और शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा कि परेशान नहीं हो, वह कई सब ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यह बात मशहूर कर दी। मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया और हमारी ज़िंदगी मिसाल बन गई। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।